स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी ओडिशा। आंसर ए तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन: ट्रैफिक वाणिज्य में वनस्पतियों और जीवों का व्यापार, रिकॉर्ड विश्लेषण और WWF इंडिया के नए विश्लेषण के अनुसार भारत में शार्क का अवैध व्यापार बढ़ रहा है। जनवरी 2010 से दिसंबर 2022 तक देश में लगभग 16,000 किलो शार्क के पंख जब्त किए गए, जिसमें तमिलनाडु में ऐसी घटनाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र का स्थान रहा। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में शार्क से जुड़े अवैध व्यापार के बारे में चेतावनी देना और खतरों व संरक्षण संबंधी चिंताओं को उजागर करना है। अगला प्रश्न: भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? ए चेन्नई, बी गोवा, सी दिल्ली, डी कोची। आंसर सी दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। ये दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना का नया अत्याधुनिक मुख्यालय है। नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया है। नौसेना पहले 13 अलग अलग स्थानों से संचालन करती थी। अगला प्रश्न: 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक किस पार्टी को 660 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले हैं? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी बीजू जनता दल, सी तृणमूल कांग्रेस, डी भारतीय जनता पार्टी। आंसर डी भारतीय जनता पार्टी। एक्सप्लेनेशन: चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 660 करोड़ रुपए के, तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ रुपए, कांग्रेस 1422 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए, डीएमके को 639 करोड़ रुपए, एआईडीएमके को 6.05 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 66 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले, जबकि भारत राष्ट्र समिति BRS को नकदी 1214 करोड़ रुपए मिला। अगला प्रश्न: राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ए 1990, बी 1992, सी 1995, डी 1999। आंसर सी 1995। एक्सप्लेनेशन: भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। टीकाकरण दिवस का उद्देश्य टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और संक्रामक रोगों के प्रसार को कैसे रोका जाना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय है, टीके सभी के लिए काम करते हैं। ये दिन पहली बार 1995 में मनाया गया था, जिस वर्ष भारत ने अपना पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था। अगला प्रश्न: फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए महमूद अब्बास, बी मोहम्मद मुस्तफा, सी मोहम्मद शतेह, डी मोहम्मद शहबाज। आंसर बी मोहम्मद मुस्तफा। एक्सप्लेनेशन: मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मुस्तफा को नियुक्त किया है। मुस्तफा ने प्रधानमंत्री मोहम्मद शतेह का स्थान लिया। अपनी सरकार के साथ PM मोहम्मद शतेह ने फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। फिलिस्तीनी प्राधिकरण PA की स्थापना 30 साल पहले ओस्लो समझौते नामक अंतरिम शांति समझौते के तहत की गई थी।